शिमला मिशन। आइए देखिए आज हम बनाएंगे वेज हक्का नूडल्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखिए ये मैंने हक्का नूडल्स का एक पैकेट लिया है, ये ग्रीन चिली, गार्लिक, और ये मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है, कैरेट मैंने काट लिए बारीक बारीक, और ऑनियन, ये मैंने पत्ता गोभी लिया है थोड़ी सी, इसे भी हमने काट लिया है। तो ये सब हमने वेजेस हमने काट के रेडी करके साइड में रख दिया है हमने। और इसकी सॉसेज है ये, जब मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी कौन कौन सी सॉसेज लिए। तो सबसे पहले हम इनको बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो ये मैंने पानी लिया है, ये हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और इस पानी में हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। वो हम जैसे हम इसे बॉयल करेंगे ताकि थोड़ा सा सॉल्ट इसमें भी आ जाए, क्योंकि चाहे हम ऊपर से कितना भी डालें बट लेकिन इसके नूडल्स में सॉल्ट नहीं आएगा। तो अगर हम पानी में डाल देंगे तो थोड़ा बहुत इसमें भी सॉल्ट आ जाएगा। तो हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इस पानी में हम एक उबाल आने देंगे, और जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें दो तीन मिनट, 3 मिनट के लिए हम इसे डाल देंगे। देखिए अब हमारा ये पानी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ये नूडल्स को डाल देंगे। इसको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही जब अभी हो जाएगा तो खुद ही नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए ये खुद ही पानी में चला जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, तो अपने आप चला जाएगा पानी में, हमें इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम पकने देंगे, 2-3 मिनट में पक जाएगा ये। ये देखिए अब ये सब अलग अलग हो गया, बिल्कुल हमारा नूडल्स अलग अलग हो जाएंगे, और अभी थोड़े से और पकाएंगे हम इसे, तो ये हमारा भी सब अलग अलग हो जाएंगे। इसको हमने कुक करना है 80%, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रह जाए, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तभी ये पकेगा। ये देखिए हमारा नूडल्स हो गया है, ये हार्डली मुझे 2 मिनट या 3 मिनट लगे हैं बस, अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे स्टेन कर लिया, अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाए। देखिए हमने इसे प्लेट पे निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होके फिर हम इसे अलग अलग आराम से कर सकते हैं। और अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। देखिए वैसे तो हम इसे नॉन स्टिक में भी बना सकते थे, पर मैं आपको लोहे की कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको नॉन स्टिक की कोटिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी, खूब अच्छे से गरम हो जाएगी। देखिए हमारी कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गैस बंद करके और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखिए हमने इसमें हल्का सा हमने ऑयल डाला है, और इसे टिश्यू पेपर से हम इसको एक बार पूरी कढ़ाई के ऊपर ऐसे कर देंगे। अब ये कढ़ाई हमारी नॉन स्टिक का काम करेगी। अब फिर से और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे अपने नूडल्स को, वेजेस को फ्राई करने के लिए। और हम इसमें पहले गार्लिक डाल देंगे, फिर मैं इसमें ग्रीन चिली, ऑनियन डालूंगी, इनको सब्जियों को हमें हाफ फ्राई करना है। शिमला मिर्च और कैरेट भी डाल देंगे। इसमें
इसमें हम ये पत्ता गोभी भी डाल देंगे। और इस सब्जी को हम तेज गैस पे ही फ्राई करेंगे। और ये देखिए, मैंने रेड चिली सॉस लिया है, ग्रीन चिली सॉस लिया है, सोया सॉस है और सिरका है, विनेगर। तो अभी हम इनको डालेंगे, जब ये नूडल्स डालेंगे तब। देखिए इन बैजू में अब हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और इसको हम और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में हमें दो तीन चार मिनट लगेंगे, बस तीन एक मिनट लगेंगे, तीन मिनट में हमारी वेजी फ्राई। ये देखिए हमारी सब्जियाँ फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ये नूडल्स डालेंगे। गैस मैंने सिम पे कर दिया है, और सिम पे करके फिर हम डालेंगे। मिक्स में डाल दिया, अब इसमें हम ये सॉसेज डालेंगे। तो मैं ये स्पून से आपको बताती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें एक चम्मच जो है रेड चिली डाला है, एक चम्मच ग्रीन चिली डालेंगे। आप ग्रीन चिली को थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है इसका। सोया सॉस आधा चम्मच ही डालेंगे। और एक चम्मच विनेगर। हम इसको अच्छे से थोड़ा करके ऐसे ऐसे करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि हमने जब इसको बॉईल किया था तब भी हमने डाला है, वेजेज में भी डाला है, बिल्कुल हल्का सा। और सिरके में भी जो इसकी सॉसेज होती हैं उनमें भी सॉल्ट होता है, बिल्कुल हल्का सा डाला है। आप टेस्ट करके तब डालिए। ये देखिए हमारे नूडल्स तैयार है। अब इसके ऊपर हम हरी प्याज ऊपर से डाल देंगे, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए ये हमारे नूडल्स तैयार है। तो आप इसे मेरी तरह से बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप बजाय मार्केट से लेके खाने के, अपने घर में अपना आप जो ऑयल यूज करेंगे वो आप ऑयल अच्छा यूज करेंगे, वैसे इसको धो करके यूज करेंगे। तो आप इस तरीके से बनाइए, कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए, आपको पसंद आएगा। थैंक यू।